everyone, this is Maya Ali, and if you really want to know about Pare Har Love more and more, so you have to subscribe the YouTube channel of ARY Digital. Amma, main ghade ki nishani pooch raha hu jisme bag hai. Tum kaun ho? मैं हर 5 मिनट बाद आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता। क्या हम सीधा घर वापस जा रहे हैं? नहीं, पहले तुम्हारी खाला के हम की इयादत करने जाएंगे, फिर घर चलेंगे। ठीक है, खाला के इयादत कर लेंगे। वाह, बहुत उम्दा काम किया है डॉक्टर ने, ऑपरेशन का एक निशान नहीं। ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? वो हमारे इलाके में भी तो बल्दिया वाले ऑपरेशन करवा रहे हैं ना। वरना आजकल के बच्चे तो किसी की बीमारी का बहाना करके खुद ही हनीमून मना लेते। नहीं नहीं, मेरा लड्डू हरगिज़ ऐसा नहीं है, और अगर ये ऐसा करे तो मैं जूता उतार के इतने जूते मारूं कि दुनिया इब्रत हासिल करे। अब हमारे को मारे के किसी ने वहाँ मार पिटाई किया तो हम फी मुक्का तब पर 500 रुपए लेगा। फी मुक्का 500 मिलेगा, अब जा। हमने तो बहुत माफी मांगी खाला से, कुछ सुनने को तैयार नहीं है वो। हमारी तरफ आ रही है, भागे ना तुझे, भाई इधर। भाई लड्डू पहली दफा आया है, अपने खालू से तो मिल ले। पहली दफा? अम्मी जी, आपके साथ तो यहाँ पहली दफा ही आया हूँ ना। बल्ले बल्ले निटोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले। आजा। इसको पकड़े हम। सीढ़ी पकड़ो, तुम पकड़ो। देख के हाँ, देख के, तुझे देख के। हमको देखो, नीचे देखो, गिरो नहीं तुम। गिर तो नहीं जाऊंगा। ना ना, आराम से आओ, आओ पैर आगे लाओ, लेके आओ, आओ। सही है, जबरदस्त। ये ऐसा ऐसा, आराम से, आराम पे बड़ा जंप मार। आजा सामान दे, जल्दी दे। ये लो, कम ऑन फास्ट। आई एम फास्ट, आया आया। आजा आजा, ओ हम गिर तो नहीं जाएगा। आजा 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 आजा, छलांग मारने कोई बात नहीं, नहीं हम गिर जाएगा। आजा आजा, शाबाश, चल आजा, जल्दी से आजा। किधर जाता है तुम्हें? खुदे खर, आज तुम पकड़े गए ना, अब तुम कुछ होगा नहीं। एक मुक्का 1500 रुपया, 2000 रुपया, एक चप्पल और, हमारा बैलेंस 2500 रुपये हो गया। ये तुम क्या गिन रहे? वो हमारा डील हुआ है ना, फी मुक्का तप्पड़ जो है 500 रुपये मिलेगा। तुम रुक क्यों गया? हमको मारो, हमारा बैलेंस 2500 रुपये रुक गया है। वे 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 वे, मारे हम, पेमेंट तुम ले हो, है? अब हम तुमको नहीं मारेगा, हमारा हिस्सा देगा तो हम तुमको मारेगा। ये धांधली है, बस ये धांधली, किसी को पैसा नहीं मिलेगा। जा। अब तुझका मतलब है कि शायद तोड़फोड़ का तोड़फोड़ मुफ्त में हो रहा है? भागो भाई, भागो, भागो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई, बेगम साहब, आज तो आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं। कोई मरीज आया है? मेरा मतलब है कोई मेहमान आया क्या? ये देखें, ये बर्फी के शोहर है, और ये बर्फी के सास ससुर, और ये इनकी बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा आ करेंगे आप जी? बस, आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाते है? अरे भाई, अपना क्लिनिक है। अच्छा, 50% डिस्काउंट तमाम टेस्ट पे है। तो आपका कार्ड वार्ड है? हाँ कार्ड है, लेकिन एक मिनट जी, ये लीजिए। ओ, 50% डिस्काउंट। अरे वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। ये कौन है? जी मैं लड्डू। लड्डू? अच्छा, फिर आ करें। भाई साहब, आप पहचाने नहीं लड्डू को? ये दोनों आए तो थे कुछ सी खाला के ऑपरेशन पर। तो आपकी कोई कुछ सी खाला भी है? आपकी बेगम की बात कर रही थी मैं। अरे बेगम, आपने ऑपरेशन कब करवाया?
ये तो ये भी नहीं जानते कि इनकी बेगम का ऑपरेशन हुआ। वो अम्मी जी दिन में इतने ऑपरेशन होते को कहाँ याद रहा होगा। डॉक्टर साहब मेरा गला तो ठीक है ना? एक मिनट दिखाइए आ कर बस 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 जिसका मुझे खतरा था वो यूटेंसिल्स हैं। और बात सुने मैं लेजर से ऑपरेशन करता हूँ। अच्छा? हाँ भाई अपना क्लिनिक है 50% डिस्काउंट है अगर आप जल्दी डेट ले लेंगे तो 50% डिस्काउंट। ओहो डॉक्टर साहब बस करें ना आप तो घर में भी क्लिनिक खोल लेते। वैसे भाई साहब आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? भाई मैं मरीजों का स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आपको हार्ट अटैक हो गया हो आपके दिमाग में रसौली हो गई हो आपका एक्सीडेंट हो गया हो तो आप मुझे फौरन फोन कीजिए भाई अपना क्लिनिक है 50% डिस्काउंट पे इलाज होगा। ये लीजिए आप भी कार्ड रखिए क्या याद करेंगे। और हाँ आप ऐसा करें आप जरा ज्यादा कार्ड रख लें। अच्छा? अब वो आपकी दुकान पे कपड़ा खरीदने लोग आते हैं ना हाँ तो उनको दीजिएगा उनके लिए भी रियायत है 50%। चौबीस घंटा ड्यूटी करता है घर नहीं जाता है क्या? गरम चाय गरम अंडा गरम चाय गरम अंडा बाबा गरम चाय गरम अंडा खाएगा क्या? चुप करो गरम अंडा अभी ठंडा कर देगा चलो इधर से हमको सोने दो। गरम चाय पिएगा गरम अंडा खाएगा तो रात को नींद नहीं आएगा ड्यूटी बिल्कुल ठीक करेगा खाएगा। वो इधर से जाओ यार शोर मत करो यार हमको नींद आ रहा है इधर और दुकानदारी करो। दुकानदारी नहीं करता है बाबा फीस अभी लीला ला के नाम पे खिलाता है खाएगा। फीस अभी लीला वो क्यों? वो हमने मन्नत मांगा था बाबा वो पूरा हो गया इसलिए हम सबको मुफ्त में चाय अंडा खिलाता है खाएगा। ओए फिर तो हम चार अंडा खाएगा और चार चाय पिएगा। खा सकता है बाबा खा सकता है शरीयत में चार का इजाजत है अगर तुम बराबरी कर सकता है कर सकता है। अरे बराबरी तो हम ऐसा करेगा यार फिर कर अभी खोलता है आज 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 ले 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 अंडा सेकंड अंडा तीसरा अंडा और अंडा। हाँ बाबा मैं तुमको चाय भी देता हूँ कोप में डाल के ये बाकी जे मैं रख के तुम चाय निकालो हम अंडा फोड़ता है। हल्लो बाबा हल्लो वठे बाबा चाय वठे चाय पियो बाबा पियो खाओ अंडा खाओ। अच्छा है पेट भर के खाओ। हमारी कौम मुफ्त की कोई चीज नहीं छोड़ती अब ये दो दिन तक सोएगा खजाना। खाओ बाबा बैठ के खाओ ना बैठ के खाओ बैठ के खाओ। अब मैं दो गाड़ियां खरीदूंगा एक गाड़ी में दुकान पर जाऊंगा और दूसरी गाड़ी में दुकान से वापस आऊंगा दो दो शादियां करूंगा मैं अब आएगा मजा मजा मजा। बे बंदर तालियां बजा रहा है इधर देख और तेरी परफॉर्मेंस पे हम तालियां बजा रहे ये तो उसी फैमिली का लगता है जो घर कम और थाने ज्यादा रहती है। और ऐसे चोर अनोखे के इलाके में जब कोई चोरी करता है तो चोर बच नहीं सकता भला क्यों क्यों क्योंकि ऐसे चोर अनोखा उसे पकड़ लेता है।
ओ तू यहाँ खुदाई करके माँ जी का खजाना ढूंढ रहा है? आपको कैसे पता चला? ओ सर जी, लगता है इसे खुदाई करने का शौक है, इससे थाने का बागीचा भी खुदवा लेते हैं। बागीचा भी खुदवा लेते हैं? ओए डाले में डाल इसको। ओ डाले तो खराब है जी, हम तो खुद बाइक पर आए। ओ डाला नहीं है तो ना सही इम्प्रेशन तो डालने दे। ओए डाले में डाल। जज साहब मुझे माफ कर दे जज साहब प्लीज। ओए मस्कीने, ओए सुना तूने? ओए बाहर निकल। ओए तू क्या समझता है क्या सचो अनोखा इस टाइम पे उठ के तेरे पास इसलिए आए कि तुझे माफी की होम डिलीवरी दे सके? मैं चला गया लाइक और चल 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 इधर चल इधर कहाँ जा रहा है? डाले में डाल चल चल इधर चल वो चल इधर चल। सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कौन हो? तितली। तितली बेटा, तितली बेटा इधर आओ और अम्मा जान को सलाम करो। यार अबे ये हो क्या रहा है? मैं बेटा नहीं बेटी हूँ और दादी को सलाम करने का फायदा कौन सा? उन्हें कुछ याद रहता है? क्यों नहीं याद रहता है? अम्मा की यादाश्त वापस आ गई। चल जल्दी पूछे कि मैंने पैसे कहाँ रखे थे और सोना भी। पूछ तो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ मजान आपके लिए। पता नहीं मस्ताने ने कुछ खिलाया पिलाया भी कि नहीं। अम्मा जान बताइए ना, अब तो इतने साल हो गए अम्मा जान, वो रुपए और वो सोना हीरे जवाहरात कहाँ रखे हैं? बताती हूँ बताती हूँ। तुम कौन हो? दूध वाला, दूध लेने आया था। हैं? दूध वाला? माजिया, कोई जरूरत नहीं है कुछ खाने के लिए लाने की, ये फिर भूल गई। सब याद है मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे याद आ गया याद आ गया, मजाक कर रही थी अम्मीजान। अम्मीजान जल्दी से बताएं ना, कहाँ है पैसा, रुपया, जेवर, सब कुछ बड़ा खर्चे पे खर्चा हो रहा है। अम्मी आपका पोता है लड्डू और ये उसकी दुल्हन है बर्फी। हाँ ये लड्डू है, हम ये बर्फी है। हाँ? तुम कौन हो? लड्डू। हाँ जी बेटा, अपनी दादी को कहीं ले जा वरना कुछ हो जाएगा। अब वो चाचू तो लगता है वो पहले से ही दुकान पे चले गए। क्या मस्ताना सुबह सुबह दुकान पहुंच गया? शेखों का पुत्र है, गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। चलो वो अकेला घाक निपटा रहा होगा, हमें उसकी मदद करनी है। बस मैं जा रहा हूँ। चले तुम कौन हो? अब बात सुन, कल भी ये दुकान बंद थी और आज भी बंद है, अचानक इस तरह मार्केट में दुकान बंद होने का क्या मतलब होता है? भाई मतलब एक ही है, एक ही मतलब है कि दुकान बंद है, या फिर मुन्ना कमेटी की कमेटी नहीं थी। नहीं क्यों? इसका मतलब है कि घर पे कोई फौतगी हो गई है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि फौतगी हो गई है, क्योंकि वो ना गफूर शेख, उसने मुझसे पूछा और कहा भी था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना शेख अकबर तो ईद के दिन भी दुकान खोलता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, आओ आओ पता चलो। चलो यार चलो, वहां चलना चाहिए। आओ है? अब्बा हाँ? यहाँ तो लग रहा है किसी की फौतगी हो गई है। हाँ बेचारा। आओ बेटा कोई निकल लिया, दाने पड़ते हैं। हाँ। हाय हाय, बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। उस बेचारे की उम्र ही क्या थी। वैसे कौन फौत हुआ है? है? आ, ये चाचू या लड्डू, ये अपनी दुकान बंद है मस्ताना। कल से दुकान बंद है, मुझे तो शक था कि मस्ताने को ही कुछ हुआ है। दुकान कल से बंद है, आज भी बंद। साहब भाई के मरने के गम में ना बुरा पड़ गया। अरे होश करे शेख साहब, क्या हो गया? अरे जिस दुकानदार की दो दिन दुकान बंद रहे मुसलसल, तो क्या उसको हार्ट अटैक नहीं होगा? वैसे मस्ताना फौत कैसे हुआ शेख साहब? है?
पस्ताना फौत हो गया? अरे आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता ही ना हो। अरे गहरे सदमे में है। अपा चाचू का फोन तो चल रहा है। अरे फोन थोड़ी डेड होता है, वो डेड हुआ है। वैसे हुआ क्या था? है? हेलो ऐसे चो अनोखा, ये तो मेरे चाचू का फोन है। है? क्या हुआ? अब्बा ऐसे जो अनोखा का फोन था। क्या कह रहा है? वो कह रहे थे कि चाचू को उन्होंने बहुत गहरे गड्ढे से बरामद किया है। हाँ वस्ताने को। अरे शेख साहब आप फिक्र ना करें, ताजर इत्तेहाद आपसे यकजहती कर रही है, अभी मार्केट बंद कर रहे हैं और मार्केट खुलेगी जनाजे के बाद। बिल्कुल। अरे शेख साहब हौसला रखें। अरे हौसला रखें, दुकान दो दिन से बंद है यार। आप रो क्यों रहे? इंस्पेक्टर अनोखा साहब दुख तो होता है ना, वैसे हुआ क्या था, किसने मारा उसको? मारा? और जो सर जी ने मारा मेरा मतलब दबका मारा। इसका मतलब जब चाचू को पकड़ा था वो जिंदा था? हाँ जिंदा ही पकड़ा था। मतलब पुलिस के तशद्दुद से मारा है? कल ताजर इत्तेहाद पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालेगी, क्यों भाइयों? बिल्कुल ओ एसएचओ अनोखा के खिलाफ जुलूस? ओ तो फिर तू ऐसा कर, तू जुलूस निकाल के आ पहले। अरे अरे अनोखा जी ऐसी बात नहीं, असल में दुख की वजह से इसके मुंह से निकल गया। वैसे वो डेड बॉडी है का? डेड बॉडी? ओ तुम लोग डेड बॉडी लेने आए? हाँ। ओ मिस्कीने, ओ जरा इनको डेड बॉडी की शिनाख्त तो करवाओ। ठीक है जी, आइए जी। आई यार लड्डू। हाँ जी। ये मस्ताना मरने के बाद तो बहुत ही बदसूरत हो गया। भाई चाचू नहीं है। नहीं है ना? ये हमारा भाई नहीं है। मेरा चाचू, मेरा चाचू। अब्बा भाई कौन है? चाचू नहीं है, ये तो कोई बदमाश है। चाचू है, देखो चाचू है। ठहर। चाचू है ये, चाचू। चाचू क्या कर रहा है यार तू? चाचू बच गया। खर्चे पे खर्चा। अरे लड्डू। हाँ जी। लड्डू मुझे पानी दे, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। खर्चे पे खर्चा। अब्बा आपने फिर से खर्चे का हिसाब किताब शुरू कर दिया। क्यों? ये तो होना ही था। सारी पूंजी तो तेरी शादी में खर्च कर दी और जो कुछ बचा था तूने हनीमून पे खर्च कर दिया और बाकी इसने मस्ताने ने कसर निकाल दी खर्चे की। अब्बा चाचू ने तो उल्टा आपका फायदा करवाया। आप खुद ही तो कहते हैं दुकान बंद होने का उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान मस्ताना के दुकान खोलने का होता है। अरे इसने थाने में जो मेरा खर्चा कराया है वो क्या था? इसका नाम मस्ताना नहीं, इसका नाम होना चाहिए खर्चाना। खर्चाना? थाने में आपका क्या खर्चा हुआ? आप तो पेट्रोल बचाने के लिए गए भी मुन्ना कमेटी की गाड़ी में थे। और तेरे ना मरने की खबर पे जो पूरी मार्केट में मैंने 1 किलो मिठाई बांटी, क्या वो फ्री में आई थी? शेख साहब खबर मिली थी आपके यहाँ कोई फौजी हो गई है, आखिर मरा कौन है? ये मरा है। अबे जा भाई अपना काम कर, पहले शेख साहब का 1 किलो मिठाई का खर्चा हो गया। ये तो मरा हुआ नहीं लग रहा। शुक्र है उसने बता दिया कि तू मरा हुआ नहीं है। अच्छा तू मुझे ये बता कि तू वो पार्कों में क्यों खुदाई करता फिर रहा था? वो अम्मी की जरा याददाश्त वापस आई ना तो उन्होंने बताया कि मेरा बैग यहाँ दफन है। मैंने सोचा कि शायद जेवरात यहीं दफन होंगे। लड्डू। हाँ जी। लड्डू मुझे पानी और दे, मैं मुझे फिर हार्ट अटैक हो। अब आपने फिर खर्चे का हिसाब किताब शुरू कर दिया और आप क्या समझ रहे हैं कि पानी आजकल मुफ्त मिल रहा है? आप दिन का कोई 300-400 रुपए का तो पानी पी जाते हैं। खर्चे पे खर्चा। बस अब मुझे पानी मत देना। हवा दे मुझे, हवा दे, हवा। भाई साहब थोड़ा सा पानी पी ले। नहीं मैंने अब फैसला कर लिया है। पानी ना पी ले। नहीं, हाँ नहीं, मैंने अब फैसला किया है कि मिठाई ना खरीदने की। नहीं खरीदू, नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि हिसाब नहीं करेंगे अब। अबे कोई मुझे बोलने भी देगा?
मैंने फैसला किया है कि मैं इस मस्ताने की अब शादी कर दूंगा और इसे अलग कर दूंगा। भाई साहब, जिंदगी में पहली दफा कोई सही फैसला किया आपने। इससे पहले मैं गलत फैसले करता रहा हूं क्या? अपा चप्पल। अरे अरे बाजी, मेरी बात सुने, नई वैरायटी आई है, मेरी बात तो सुने, ये देखिए माल देखिए। अरे मेरी बात तो सुने बाजी। बहन जी अल्लाह की कसम, पूरे दिन से एक बूनी नहीं हुई है, ऐसी ऐसी वैरायटी आई हुई है। मम्मी जी कह रही थी कि अगर हमसे जोड़ा जल गया ना तो वो हमारा कान पकड़ के हमें हमारे अम्मी और अब्बू जी के यहाँ वापस छोड़ आएंगी। क्या तुम्हारी और बर्फी की कहीं लड़ाई तो नहीं हुई? हमारी तो आज तक कभी भी लड़ाई नहीं हुई जी। सास के साथ तो कुछ नहीं हुआ? सूट का कोई मामला हुआ था लेकिन बात इतनी बड़ी नहीं थी। अब फोन भी बंद जा रहा है बर्फी का। देखो बेटा, अगर एक बार घर टूट जाए ना तो बहुत मुश्किल से जुड़ता है। ये है बातें कितनी मजेदार। अखीर करो, जैसे ही मुझे पता चला कि भाऊ रानी जो है वो हनिया मुनिया से आ गई, भागी चली आई मैं कि सबसे पहली महल्ले की खबर मैं दूंगी। ये बातें। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, दूध ना पूतो फलो। अब दूध पत्ती लाऊं आपके लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह नाजिया, तुम्हारी बहू का जवाब नहीं है। पूरी दुनिया में चिराग लेके भी ढूंढो ना तो ऐसी बहू नहीं मिलेगी। तुम्हारा दिल कर रही है तो ले आओ। जी जी खाला खतरा खतीरा, वो दिल तो नहीं कर रहा भाभी का? अच्छा मेरा तो कर रही आएगा। नाजिया जैसे ही तुम गुजरी। खुदा ना खास्ता खाला, मैं क्यों गुजरूंगी? ये मतलब थोड़ी मेरा, असल बात तो सुन लो। अरे मकसूदा के गेट के आगे से मोटर कार में बैठ के जब तो जुम गुजरी, वहीं भी इसके बेटे की तलाक हो गई। बीबी ने खबर दी है पक्की। बीबी ने बताया या बीबीसी ने? तितली बस करो, सलाम किया नहीं खाला को, टटर बोले चली जा रही हूँ। यार अम्मी हो क्या रहा है? खाला के आप ही मैंने व्हाट्सएप पे हाय भेजा था ना भाई। हाय हाय, हमें तो समझ नहीं आती किसी की हाय 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 है। देखो जरा, अल्लाह मियाँ, ये खाला को इतने काम होते हैं, बच्चा बगल में, डंडोरा शहर में। ये देखो राहत खाला के बेटे की मंगनी है, कार्ड दिया था कि दे आऊं जाके है। इतनी मोहब्बत तुम लोगों से, बातें कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। लेने आऊंगी, आना जरूर। फहीम की मंगनी हो रही है क्या? मंगनी हो रही, ऐसा खटाई सा लड़का बिल्कुल, यू करो करो तो वो जाके पड़े। लेकिन इतने अमीर घर में शादी हो रही, बैठ के खाएगा सारी जिंदगी देख ले। तो सब बैठ के ही खाते, खड़े होके कौन खाता है? तितली अंदर चलो जाओ। एक तो पता नहीं इस लड़की को कब अक्ल आएगी। कभी नहीं कभी नहीं, तितली हो उड़ के जाओ। आज तक जो जा रही हो, बातें भी सुनो हमारी। ए भी नाजिया, तुम्हारी खाला को इतने काम है, फुर्सत नहीं है बैठने की बिल्कुल भी। दूध पत्ती का कह के गई है बच्ची, अभी तलक नहीं आई। भाऊ ए भाऊ, ले आओ दूध पत्ती, कुछ खाऊंगी नहीं साथ में। अच्छा भैया मैं चलूँ, बहुत सारे काम है। ये लोग तोहफे वगैरह लेके आऊंगा, जब मैं लेने आऊंगी ना तब लेके चली जाऊंगी, ठीक है? अलग से करके रख लेना। देखो चाय तो अभी तक लाई नहीं, दूध पत्ती है, कहाँ रह गई भाई दुल्हन? ओफो भाई, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं रात को क्या पहनूंगी? और जगह भी नहीं है मम्मी जी। अच्छा बताओ ना बहू, फिर क्या पहनूं मैं? मम्मी जी ये पहन ले, इसमें आप बहुत यंग लगती हैं, ये वाला। बाकियों में ओल्ड लगती हूँ क्या? अब नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि इसमें आप बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ मगर ये मैं तुम्हारी बारात पे पहन चुकी हूँ। फिर आप ये वाला पहन लें, ये तो बहुत ही अच्छा है मम्मी जी। नहीं नहीं ये नहीं मैं पहन सकती, अभी 7 सालों के बच्चे के अकीके पर पहना ना मैंने, सबने देख लिया। अच्छा
जब करनी अपनी है तो पूछ क्यों रही है हमसे बार बार? कुछ कह रही हो? नहीं नहीं मम्मी जी, हम तो कह रहे थे कि ये तो आप पे बहुत ही जचेगा रंग, ये पहन ले आप। हाँ तो ये अभी पहनी तो है तुम्हारे वलीमे पर, सबने देख ली, ये नहीं पहन सकती भाई। फिर आप ये वाला पहने, ये रंग तो बहुत ही अच्छा है। नहीं ये अभी मैंने पहनी है, हमारी सात फलों की डेथ हुई थी ना उस पे। मम्मी जी ये तो खुशी के मौके पर पहनने वाला सूट है। हाँ तो खुशी का ही तो मौका था, बड़ी ठंडी थी मेरी उस हमसाई से। ये ना पहन, ये लाल रंग का। हाँ मम्मी जी ये भी बहुत अच्छा है। हाँ पर ये मकसूदा के बेटे की शादी पे पहनी थी ना अभी, ये भी सबने देख ली, ये नहीं पहन सकती। वैसे भी बड़ा शौक सा रंग है ये। नहीं नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये तो मेरा फेवरेट है। अरे हाँ मम्मी जी हम भी यही कह रहे थे, जब हमने सूट देखे ना सारे, सबसे अच्छा हमें यही लगा। अच्छा चलो फिर इस्त्री करते। क्या इस्त्री लगी क्या? नहीं नहीं मम्मी जी इस्त्री वो तो। तुम इतनी अच्छी इस्त्री करती हो कि सूट नया कर देती हो। चलो जाओ करो शाबाश। चलो ये शलवार है, ये आपका सूट है और ये दुपट्टा है। हेलो जी बहुत सस्ता है जी। नहीं नहीं हमें तो बहुत महंगा लग रहा है। आप कहां से देख रहे हैं? हम सामने से। मेरे सामने से? नहीं नहीं अपने सामने से लड्डू जी। अच्छा बहन जी 3,000 रुपए का सूट है बस। 3,000? नहीं नहीं लड्डू जी हमें तो ये 10,000 तक का लग रहा है। 10,000? नहीं नहीं 3,000 से कम तो हो ही नहीं सकता बाजी। अल्लाह लड्डू जी आप अपनी बर्फी को बहन जी कह रहे? नहीं नहीं मेरी जान मैं आपको तो ये कह ही नहीं रहा, मेरा मतलब मेरी बाजी। जबान संभाल के बात करें। मेरी बात तो सुन ले, आपसे तो कहा ही नहीं था वो बर्फी जी। अब्बा मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, वो दुकान पर गा के ना। ओ अच्छा अच्छा ठीक है लड्डू जी आपको पता है ना आपके बगैर तो हम बहुत अधूरे हैं, खासकर तब जब मम्मी जी का जोड़ा इस्त्री करना हो। क्या मम्मी का ड्रेस देख के? बर्फी जी अगर आपने अम्मी जी का ड्रेस जला दिया ना तो अम्मी आपकी जिंदगी अजाब बना देंगी। वही तो लड्डू जी आकर इस्त्री कर देना। बर्फी जी इस वक्त मैं अब्बा के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, अगर मैं जरा सा भी यहाँ से हिला ना तो अब्बू ने मुझे इस्त्री कर देना। चाचू की वजह से सुबह से बहुत टेंशन में है। तो हम क्या करें लड्डू जी? सारों के मोबाइल छीन लेने मैंने एक दिन। अब वो बर्फी जी ने मुझे कुछ पूछने के लिए फोन किया था अब्बा जी, मैं बस रख रहा हूँ। सही तरह तय कर जोड़े को। जी ओके बर्फी जी वापस। लड्डू जी बात तो सुने लड्डू जी। अब मम्मी जी का सूट कैसे इस्त्री होगा? चल गया तू। बर्फी जी मम्मी जी का जोड़ा है, चल गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करें हम, क्या करें क्या करें? आइडिया, इस्त्री खराब कर देते हैं। जी मम्मी जी ये क्या जलने की बू आ रही है? कहीं मेरा जोड़ा तुमने तो नहीं जला दिया? नहीं नहीं वो तो अभी हमारे पास रखा है। देख लेना मेरा फेवरेट सूट है, अगर जला तो कान से पकड़ कर तुम्हें तुम्हारे वालदैन के घर छोड़ाऊं। वो मम्मी जी इस्त्री खराब हो गई। नहीं खराब नहीं हो सकती, लगाओ चलेगी। नहीं नहीं हमें पता है हमने खराब की है इस्त्री। नहीं हमारा मतलब है हमने चेक की है इस्त्री। तो अब क्या करें? यूं करो
अपने जहेज की स्त्री इनकार। वो तो क्यों डेकोरेशन के लिए लाई थी, निकालो फिर। अब जी करते हैं। चलो शाबाश जल्दी करते हैं कुछ। क्या करें, लड्डू जी को फोन करते हैं। इंतहाए खूबसूरत रंग है बाजी, ये वाला भी और ये वाला भी आप देखें। देखिए देखिए क्या बात है। ओहो कोई बात नहीं होगी तो क्या फोन नहीं करेंगे हम? बात बगैर फोन तो कर सकते हैं, लेकिन हम सुनेंगे क्या? लड्डू जी बड़ा मसला हो गया है यहाँ पर। मम्मी जी ने कहा था कि कपड़े इस्त्री कर दो, हमने इस्त्री खराब कर दी। अब मम्मी जी कह रही हैं कि जहेज वाली इस्त्री निकाल लो, क्या करें हम? बहन जी घेर देखिए ना घेर। वो तो हम देख ही रहे थे, मेरा मतलब है वही पूछने के लिए तो फोन किया है हमने, क्या करें हम? एक और बात, मम्मी जी कह रही थी कि अगर हमसे जोड़ा जल गया ना तो वो हमारा कान पकड़ के हमें हमारे अम्मी और अब्बू जी के यहाँ वापस छोड़ आएंगे। क्या? हाँ लड्डू जी क्या करें हम? लड्डू जी दोस्ती वाली इस्त्री भी खराब कर दे क्या? नहीं नहीं ऐसा हरगिज ना करना बर्फी जी, वरना आपकी अम्मी को हमारी अम्मी ने फोन करके कहना है कि जहेज की सारी चीजें खराब भेज दें, कहीं वो हमारी शादी ना खराब कर दे। देखो हम कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की, अब्बा इधर उधर तो हुए हैं, आते हैं हम। किसका अब्बा इधर उधर हुआ है? क्या है लड्डू जी कुछ बोले ना। क्या हो गया है बोले तो सही। लड्डू जी हम आपका गला दबा देंगे आप बोले। हाँ इस खानदान की बहू है, सिर्फ शोहरों के गले ही दबा सकती है, हाथ पैर कभी ना दबाना। अस्सलाम वालेकुम। बंद करो बेटा ये काम पे आया हुआ है, बहू क्या कर रही हो? नहीं नहीं वो तो जी वो तो हम फोन ही इसलिए कर रहे थे लड्डू जी को कि वो अच्छा अच्छा काम करें, कोई फालतू चीज ना करें। बंद करो। या अल्लाह अब क्या करें हम, क्या बहाना बनाए। एक तो जिंदगी में ना बहाने बनाना भी जरूर आने चाहिए इंसान को, और ससुराल में जाने के बाद तो लड़कियों को मेरा ख्याल है कि बहाने बनाने का कोर्स ही कर लेना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे बर्फी जी, आज तो आप गई, करते हैं कुछ हिस्ट्री। हाँ यार अल्लाह आज तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे, बगैर कुछ जलाए पूरा सूट इस्त्री हो जाए। जी मेरा सूट इस्त्री हो गया क्या? जी मम्मी जी बस बाजू रह गए, इतनी देर क्यों लग रही है? बस आप चले ना हम लेकर आ रहे हैं आपका सूट। चलो जल्दी से लाओ। जी बर्फी मम्मी जी वो इस्त्री सड़ गई, हम क्या बताएं ये तो कपड़े सड़ गए, क्या करें क्या करें। बर्फी जी जी मम्मी जी आ गई जी, सूट इस्त्री हो गया क्या? अब नहीं मम्मी जी वो सूट इतना अच्छा नहीं है, आप कोई और सूट पहन लेना।
खुद ही तो तुम कह रही थी कि सबसे अच्छा है। 8 बज रहे हैं और मैं अभी तक तैयार ही नहीं हुई, जल्दी लाओ। मम्मी जी, उस सूट का ना रंग बड़ा डिम डिम सा है। डिम सा है? तुम तो कह रही थी कि बहुत शोक है। हाँ, बड़ा शोक सा कलर है। फौरन मेरा सूट लेकर आओ। मम्मी जी, बच्चों से ज्यादा कीमती तो नहीं होता ना सूट। वैसे सूट इतना ज्यादा कीमती तो नहीं था। मेरा सूट तुमने सही से इस्त्री किया है ना? वो जी मम्मी जी। हाँ, फौरन मेरा सूट लेकर आओ। मम्मी जी मत पहनना, ये सूट बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मतलब हमारी बेइज्जती हो जाएगी। नादिया, खाला खतीरा भी आके और मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई। मम्मी जी, मम्मी जी। ए भैया नादिया, आए बर्फी। नादिया किधर है? हमारी बेइज्जती की तैयारी हो रही है अंदर। मतलब? मतलब तैयार हो रही है। नहीं भैया नहीं, इसको कह दो तैयार ना हो। मंगनी कैंसिल हो गई, लड़की ने लड़के का मुंह देख के मना कर दिया, इनकार कर दिया, लड़के को गश पे गश आ रहा है, गश पे गश आ रहा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बर्फी, ये क्या कह रही? नहीं नहीं, वो हमारा मतलब है मम्मी जी कि अच्छा हुआ ना कि आप तैयार नहीं हुई, कितना वक्त आया हो जाता आपका। मैंने इतने टेलीफोन किए, इतने टेलीफोन किए, तुमने उठाया ही नहीं। अच्छा, बैटरी खत्म हो गई। बर्फी यूं करो, ये जाके मेरी अलमारी में टांग दो। मस्ताने का रिश्ता देखने जाऊंगी ना कल, तो वहीं पहन लूंगी। कैसे झपट के लेके गई? चलो चाय पिलवा, बैठो। चाचू, हाँ, अब्बा से जरा फोन लेना, बर्फी से बात करनी। अब्बा से जरा फोन तो बगड़ना। चलो, बर्फी से बात करो। भाई साहब जरा फोन दीजिए। क्या हो? फिर खर्चे पे खर्चा। वो तीफे को फोन करना, उसने कहा था कि लॉन के नए डिजाइन आएंगे तो फोन कर लेना, दिहाड़ी लग जाएगी। अच्छा, ये ले, सुन, इसमें सिर्फ 5 कालों का वो है बैलेंस, 1 काल करना। 5 फोन। चाचू, आपको तो कमाल बिजनेस करना आता है। बेटा, इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको बहाना कहते हैं। ये ले, नंबर बंद आ रहा बर्फी का। है, फोन बंद आ रहा है। कहीं अम्मी ने बर्फी को घर से तो नहीं निकाल दिया सूट जलने पर? अम्मी का नंबर तो ट्राई करें। अम्मी का? बंद आ रहा है भाभी का नंबर भी। है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं नहीं, मुझे दो, मैं मिलाऊंगा। मैं मिलाता हूँ तीफे का नंबर। मैं मिला लेता हूँ। अरे, 2 नंबर है उसके इधर से, मेरे पास फीड हुआ हुआ है। मिल गया, बेल जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ ना। दे दे मुझे भाई साहब, प्लीज। उठा नहीं रहा, रिंग बैक कर लेगा। अच्छा, ये वापस करो, बच गई कॉल, लाओ वापस करो, आ जाएगी ना। अरे, वो रिंग करेगा खुद, कॉल बचेगी। चाचू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, दोनों के नंबर बंद जा रहे हैं। अबे, दोनों के नंबर बंद जा रहे तो टेंशन काहे की? चाचू, बर्फी ने आज फिर सूट जला दिया। मगर तूने तो कोट नहीं पहना आज है। चाचू, मेरा सूट नहीं, अम्मी का सूट जला दिया। और मैंने अम्मी को खुद सुना था, अम्मी ने कहा था अगर तुमने मेरा ये सूट जलाया तो मैं तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हारे माँ बाप के पास लेके जाऊंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। एक दफा एक मुलाजमा ने भाभी का सूट जला दिया था, मुलाजमा को भाभी ने घर से निकाल दिया और आज तक कोई मुलाजमा नहीं रखी। चाचू, अम्मी बर्फी को निकाल देंगी, तेरी दोबारा शादी भी नहीं होने देंगी। चाचू, चाचू जी, बाजी। हाँ, आजा, मैं दिखाऊं। जी लड्डू। हाँ, लड्डुओं के लिए मिठाई की दुकान पे फोन करें। जी अम्मी जी, लड्डू बात कर रहा हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा दामाद जी, तबीयत के लिए फोन किया है। क्या बताऊं तबीयत का, बस
पट्ठों में बहुत दर्द रहता है मेरे और मेरा हाजमा भी ठीक नहीं है और तो और अब ये जो जोड़ों का दर्द है ना तौबा तौबा बहुत बढ़ गया है और दिल के वॉल्व का क्या बताऊं कभी खुल जाते हैं कभी बंद हो जाते हैं हाय हाय वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अच्छा हाँ मैं ये कह रहा था कि वो बर्फी है आपके वहाँ क्यों बर्फी को आना था क्या आना तो नहीं था जी पर वो लड्डू तुम्हारी और बर्फी की कहीं लड़ाई तो नहीं हुई हमारी तो आज तक कभी भी लड़ाई नहीं हुई जी सास के साथ तो कुछ नहीं हुआ सूट का कोई मामला हुआ था लेकिन बात इतनी बड़ी नहीं थी फोन भी बंद जा रहा है बर्फी का बेटा सब ठीक तो है ना देखो बेटा अगर एक बार घर टूट जाए ना तो बहुत मुश्किल से जुड़ता है जी अम्मी एक बार हमारे कमरे की भी छत टूटी थी ना तो उस वक्त अब्बा ने हमसे ही काम करवाया था अब एक कमरा टूटा हो तो कितनी मुश्किल होती है खुद अंदाजा लगाएं पूरा घर टूट गया था तो कितना मसला हुआ होगा इस बात का हमें अच्छी तरह से अंदाजा है अच्छा अब हम फोन रखते हैं बर्फी अगर वहाँ आए तो उन्हें कहें कि हमें फोन कर ले है अच्छा ठीक है ठीक खुदा हाफिज हेलो बर्फी के अब्बा जल्दी से घबराएं मेरा मतलब है जल्दी से घर आए हमारी बर्फी के ससुराल में कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बन दी बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बन दी बल्ले बल्ले आया ते सदा रंग लाया लाड़िए Assalamu alaikum everyone, this is Shahab Nawasidiki and I have some exciting news for you. For more of me and Pare Hat Love and the entire team, download the application ARY Digital Key for instant updates and news bites.